दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मुझे पता है कि एमरजेंसी के लिए आप पैसे की तलाश कर रहे हो, जहां पर आप एक ऐसा बैंक जो भी ट्रस्टेबल होगा, जेन्युइन होगा, जहां से लोन अप्लाई करना चाहते हो। क्योंकि आपको पता है ऑनलाइन इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन जो होता है उसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, अप टू 36% तक जाता है सालाना ब्याज। लेकिन अगर बैंक से कहीं भी लोन मिल जाए, लेकिन यार आज के समय में क्या हो जाता है, बैंक पे जाना बहुत मुश्किल की बात है और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भर के पर्सनल लोन अप्लाई करना बहुत मुश्किल की काम है। तो दोस्तों आप चाहते हो डिजिटली कोई भी बैंक से लोन आवेदन करना, तो आपके हो सकता है आप कस्टमर्स हो बैंक ऑफ बड़ौदा की, या दोस्तों हो सकते हो कस्टमर्स नहीं हो, तो सभी के लिए है। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हो या आप नहीं हो, न्यू हो, तो इस वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल ही देखना वीडियो को पूरा और इस वीडियो को एक लाइक करना। लाइक करने के लिए क्यों बोल रहा पता है, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, अगर आप एक लाइक करते हो तो हम आपके लिए न्यू और भी अच्छी चीज़ जानकारी और कंटेंट लाने की कोशिश करने की मनोबल हमारा बढ़ेगा। तो दोस्तों प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना और कमेंट पे लिखना अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो। आई नीड योर हेल्प, जो भी लिखता है ना ऐसे, हम ज़रूर उनका मदद करते हैं, मदद लाइक उनसे कमेंट पे बात करते हैं और उनके लिए हो सकता है कुछ अच्छी साजिशन दे दे उनको, कुछ लिंक वगैरह दे के, जैसे कि हो जाए वो बोलता है कि सर मुझे, मैं कहीं बार ट्राई कर लिया, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप SBI के थ्रू, योनो एप्लीकेशन के थ्रू कर लो या उस वेबसाइट पर जाकर कर लो, ठीक है। तो उनको अच्छी साजिशन हम देते हैं, तो इसी चीज़ के लिए दोस्तों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ज़रूर कमेंट करना और आई नीड योर हेल्प ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। ये मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। एक लाइक से क्या जाता है मेरे दोस्त, बहुत मेहनत लगता है, आप सभी के लिए मेहनत करते हैं ना, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ पर देखिए साइन अप पर्सनल लोन। दोस्तों इंडिविजुअल नेम लिखना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और गेट OTP पे, जो भी मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, और उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करके आई एग्री टू प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म कंडीशन करना है। दोस्तों ये वेबसाइट जो है मैं बता दूँ, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा की है। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा लोन 10.10% की NOM के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। क्विक प्रोसेसिंग है, हैजल फ्री डॉक्यूमेंटेशन है, ऑनलाइन लोन रिपेमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, आपको लग रहा है कि यार अप्लाई का बटन कहाँ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये कर दीजिए दोस्तों इंडिविजुअल नाम वगैरह लिख के, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि आप bankofbaroda.co.in की साइट है दोस्तों, यहाँ पर सिंपली आपको कर देना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर मैं कर रहा हूँ अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन। दोस्तों आपको 20 लाख तक की यहाँ पर पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा देता है, मतलब कि बैंक ऑफ बड़ौदा की ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोन अमाउंट है वो 20 लाख है, 10,000 से स्टार्ट हो जाके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर अमाउंट लिख देना है, कितना अमाउंट आपको चाहिए। चलिए मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले मैं लिख दूंगा यहाँ पर 50,000, ठीक है, जो कि थंबनेल में आपको मैंने बताया। तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग मंथली आपका यहाँ पर क्या है दोस्तों, एग्जिस्टिंग मंथली आपका कितना है दोस्तों, मैं इसको कर दूंगा, मेरा जो भी इतना भी है लगभग 24,000 कर दिया मैंने। दोस्तों यहाँ पर करेंट एज आपका कितना है वो कर देना है, डिजायर टेन्योर कितने साल के लिए लेना चाहते हो वो कर देना है, जिसको मैं 2 साल कर देता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.1%, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आपको यहाँ पर ये कर देगा दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर करना है अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन, क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जाना है नीचे, ये जो साइन अप देख रहे हो साइन अप कर लेना है पूरा आपको, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि अप्लाई नाउ, इनमें कैलकुलेटर मिल जाता है, ब्रांच लोकेटर, आप अपना जो नज़दीकी जो भी ब्रांच है उसको लोकेट कर सकते हो। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको एक फॉर्म मिलता है, साइन अप हम निकल लिया और उसके बाद इस फॉर्म को आप देख लीजिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये प्रोसेस फिर से आ रहा है दोस्तों, कुछ दिक्कत हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। आप अगर लोन अप्लाई करना चाहते हो इसी वेबसाइट पे आना, bankofbaroda.in दोस्तों पर्सनल लोन, बैंक ऑफ गूगल में सर्च कर लेना बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, ठीक है। बेनिफिट्स की बात थोड़ा सा मैं आपको कर देता हूँ, फीचर्स, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप वीडियो को पूरा देखोगे तो समझ में आएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, दस्तावेज क्या क्या है, इंटरेस्ट रेट और चार्जेस वगैरह कितना पड़ता है। तो फीचर्स के बारे में बता दो, 21 साल के आपका मिनिमम उम्र होना
चाहिए, मैक्सिमम 60 साल की 65 साल की उम्र होना चाहिए। दोस्तों आपको यहाँ पर 50 से 5 लाख की पर्सनल लोन इंस्टेंट मिल सकता है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। प्रोसेसिंग फीस की अगर बात करें तो 2% है आपकी लोन अमाउंट की, जो भी प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा उसका 2% होगा दोस्तों। 1000 रुपये से लेकर मिनिमम 1000 रुपये है और मैक्सिमम 10,000 है दोस्तों, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस होता है ये। एलिजिबल ब्रोअर्स दोस्तों यहाँ पर आपका देख सकते हो कि एलिजिबल कौन कौन सी है। अगर आप सेंट्रल स्टेट आपका पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, एमएनसी में काम करते हो तो दोस्तों 1 साल के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब की। इंश्योरेंस एजेंट हो दोस्तों, बिजनेस मिनिमम लास्ट 2 ईयर्स का आपका बिजनेस होना चाहिए। सो ये प्रूफ लगेगा। आपको लग रहा है क्या क्या ये सब देना है? जी बिल्कुल, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हो तो उसका आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है दोस्तों। और दोस्तों पर्सनल लोन इंटरेस्ट रेट क्लिक चार्ज 2% का लोन अमाउंट, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000, ठीक है। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होता है दोस्तों आप देख लीजिए। पर्सनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, ट्रैक कंटिन्यू एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में हम क्लिक कर दिए। दोस्तों क्या क्या वैलिड पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ दे सकते हो आप अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पे, और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप पैन कार्ड अपना आइडेंटिटी प्रूफ ये दे सकते हो, पैन कार्ड वगैरह वगैरह, वोटर आईडी, सैलरी इंडिविजुअल 3 मंथ सैलरी स्लिप और 16 फॉर्म 16 आप इनकम टैक्स रिटर्न की, ठीक है दोस्तों, ये सब दे सकते हो। या अगर आप कुछ भी सेल्फ एम्प्लॉयड वगैरह बिजनेस करते हो दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है टैक्स रिटर्न 2 साल की देना होगा, दिखाना होगा, और बिजनेस प्रूफ आपको दिखाना होगा, चाहे आपका हो गया कि रजिस्ट्रेशन लाइसेंस और जीएसटी वगैरह ये सब, ठीक है ना, ट्रेड लाइसेंस वगैरह। दोस्तों ये आपका आईटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए दोस्तों यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फॉर्म 60A, इसको ये फॉर्म 26A ये सब देना होगा दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में लोन अप्लाई कर रहे हो। एलिजिबल पर्सनल लोन के लिए यहाँ पर दोस्तों, एलिजिबल फॉर पर्सनल लोन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या जीना है, पूरा जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों, आप देख सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो दोस्तों। सबसे बड़ी चीज़ होगा ब्रांच में जाइए, ब्रांच में जाके यहाँ पर अप्लाई करें, सबसे बढ़िया चीज़ होगा आपके लिए दोस्तों। अगर आप ढूंढ रहे हो पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से लेना, तो नज़दीकी ब्रांच में जाइए, वहाँ पर बताइए, और उसके बाद वो आपको एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे कि आप प्ले स्टोर में जाएंगे दोस्तों, प्ले स्टोर में सर्च करना है आपको बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल लोन, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा सर्च कर लेना है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर जो भी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस है बैंक ऑफ बड़ौदा की आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा एप्लीकेशंस, तो ये एप्लीकेशंस को आप, ये न्यूज़ मैगजीन के लिए है और ये फाइनेंस की, बैंक ऑफ बड़ौदा, भीम पे, ये एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है दोस्तों, ये एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है और यहाँ से कर सकते हो आप अप्लाई लोन, ठीक है दोस्तों, अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन। तो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशंस है यहाँ पर, आप देख ले सकते हो कि यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो पर्सनल लोन। और सबसे बड़ी चीज़ होगा दोस्तों यहाँ पर बता दूँ आपको कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स नहीं हो तो अभी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर बैंक से ले रहे हो इसी चीज़ की सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस प्रूफ, ये सब जरूरत होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों समाप्त करूँगा वीडियो को, और प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, और दोस्तों धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, कमेंट में लिखना, वीडियो को लाइक करना, धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखना।